वोट नहीं देंगे, जो वोट देगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। वो इतने अच्छे आदमी हैं, ईद का चांद नजर आ जाता है लेकिन वो बंदा नजर नहीं आता। वो कहता आप लोग कहिए करेंगे हम अपने मन की, उसके बाद वो भी नहीं सुनती मैडम जी, अधिक बड़ी अधिकारी जी। स्ट्रीट लाइटें रात में 7 बजे बंद हो जाती है, सुबह 7 बजे जल जाती है, ये अच्छी बात है उनकी। में जब बच्चा लड़ता है तो उसका तुरंत दांत टूटता है या मुंह फटता है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं इस समय हाल ही में नगर निगम चुनाव भी आ गया है और जनता की समस्या का कोई भी हल नहीं निकला है। हम आ पहुंचे हैं इस वक्त मछली महल के जगदीश चंद बोस वार्ड में, जो यहां के पार्षद हैं सैयद यावर हुसैन रेशू। जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं है, जनता परेशानी से जूझ रही है, गंदगी से जूझ रही है। आपको बता दें कि नालियाँ यहाँ की चौक पड़ी हैं, जो नाले हैं वो चौक पड़े हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं कर्मचारी जो कूड़ा उठाने आते हैं वो आते नहीं हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में आए, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्या है। यहाँ इसी मोहल्ले में रहते हैं जी, क्या समस्याएँ हैं? मतलब सुनवाई नहीं करते हैं और नाली सब चौक रहती हैं, गंदगी रहती है। पार्षद से, क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करी है? नहीं, बहुत ज़्यादा शिकायत करी है, सुनवाई कोई नहीं हुई। सुनवाई कुछ नहीं। कितने टाइम से इस गंदगी से जूझ रहे हैं? ये काफ़ी अरसा हो गया। देखिए आप सामने देखिए कुछ कितना कूड़ा पड़ा हुआ कोने को पर। आप यहीं के क्षेत्र निवासी हैं, रहने वाले हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे गंदगी को लेकर के? गंदगी आप देख रहे हैं कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, इधर नालियाँ भरी पड़ी हैं और राहुल ठेकेदार हैं, उनसे कहा जाता है मैं सफाई करवाओ तो जमादार उन्हीं से लड़ जाते हैं काफ़ी। ये कल परसों में नालियाँ निकाली गई हैं लेकिन कोई सफाई नहीं हुई है। अभी भी देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये शादी ब्याह होती है इसके पैसे उनको जमादार को अलग दिए जाते हैं, जो भी घर वाले होते हैं उनको अलग देते हैं, वो ठेकेदार की भी जमादार नहीं सुनता है। और गली में तो इतनी गंदगी है, मैनहोल सीवर भाई रहे समझ लीजिए, उनसे जो है रेशू भाई से कई जगह शिकायत कर चुके हैं, वो आदमी भेज चुके हैं लेकिन सफाई होती नहीं है सही। तो चुनाव तो नज़दीक आने वाले हैं, अब वो किन मुद्दों पर आके आपसे वोट की बात करेंगे? क्यों सफाई के मुद्दा उनको दिखाया जाएगा, खाली आए तो पब्लिक इसी का इंतजार कर रही है, वो आए तो फिर उनसे बात करी जाए। नगर निगम में शिकायत करी इसकी? बिल्कुल, एक मैडम आती थी इनका नाम अच्छा था, वो नंबर दे गई थी, एक दो दफा उन्होंने कराई है सफाई, उसके बाद वो भी नहीं सुनती मैडम भी, अधिक बड़ी अधिकारी थी वो। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या परेशानी है। एक डर सा बना हुआ है यहाँ पर गली में डेंगू को लेकर के, हम बात करते हैं क्या परेशानियाँ हैं। मतलब ये परेशानी है कि मतलब नालियाँ नहीं साफ़ हो रहेंगी और जमादार से कहते भी हैं कि नालियाँ साफ़ करिए तो वो सुनते ही नहीं, ना नाली ही नहीं साफ़ होती है, मच्छर इस कदर का लग रहा है, हद से ज़्यादा मच्छर। इधर देखिए, ये देखिए नालियाँ ऐसी गंदी पड़ी हुई है, इधर ये गली नहीं साफ़ होती हैगी, वहाँ पर भी वह बहुत गंदी गएंगे, जमादार सुनते ही नहीं ना आते हैंगे तो जमादार। क्षेत्रीय पार्षद शिकायत करी थी आपने? शिकायत तो किसी से नहीं करिएगी, तो हाँ उनसे तो करी थी, वो आए तो थे एक दफ़ा, आए तो रही साहब पर बता तो रहेंगी। मतलब कोई हल नहीं है? नहीं, नालियों का तो कोई हल ही नहीं, ना साफ ही नहीं हो रही नालियाँ, तो कहाँ से हल निकल जाएगा। कितने दिन से भरी पड़ी है गंदगी यहाँ पे? नालियाँ तो जबरदार तो रोज आता है लेकिन नालियाँ तो नहीं साफ हो रही हैंगी। मतलब आते रोज काम नहीं करते? नहीं, काम नहीं हो रहा है, ना नालियाँ साफ होती है, ना ढंग का कूड़ा उठाते हैं, उधर का भी नहीं उठाते हैं कूड़ा, ये है बस समस्या। बस गंदगी नाली में से लंबे दुम वाले कीड़े निकल रहे, कहते हैं जमादार से, वो कहता है आप लोग कहिए करेंगे हम अपने मन की, या तो हमें 50 रुपए दो हम तुम्हारे तरफ की नाली साफ कर देंगे। जिसकी कमाई इतनी नहीं है वो रोज 50 रुपए कहाँ जमादार को देगा, इसलिए उससे कहने ही छोड़ दिया। अपने हाथ से उस दिन नाली यहाँ भर गई थी, यहाँ तक के पानी चल रहा था, अपने हाथ से डंडा, उसी का डंडा लेके हमने साफ करा, उसी का डंडा लेके हम लोग ने साफ करा। कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर। हमारे जो सभासद है कामरान बेग, वो इतने अच्छे आदमी हैं, ईद का चांद नज़र आ जाता है लेकिन वो बंदा नज़र नहीं आता, ठीक है। ये रोड बनाई थी, इसमें टोटल उन लोगों ने मिट्टी मिलाई है। रोड देखिए, जरा रोड दिखाइए, जूमिंग करके ये रोड दिखाइए। इस रोड पर गाड़ी चलाओ तो ऐसे लगता है कि मोबाइल वाइब्रेट पर लगा हुआ है, साला मोबाइल क्या, मतलब ये समझ लो ये रोड बिल्कुल कूड़ा है, ठीक है। 30 साल से वो सभासद है, हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे, जो वोट देगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। तो जो समस्या आ रही थी शिकायत करी थी क्षेत्रीय पार्षद से? बहुत बार की, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। स्ट्रीट लाइटें रात में 7 बजे बंद हो जाती हैं, सुबह 7 बजे जल जाती हैं, ये अच्छी बात है उनकी, ठीक है। गंदगी आप देख ही रहे, मतलब इतनी गंदगी है कि इसमें चादर लेके हम लोग रात में आराम से सो जाते हैं, ठीक है।
मच्छर इतने काटते हैं कि मतलब अब तकलीफ ही नहीं है कि कोई चोट भी लगती है तो सोचते हैं हटाओ ख़त्म करो। तो हम लोगों के जो सभासद हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार अगर वोट मांगने आए तो बहुत सही से आए, क्योंकि इस बार हम लोग वोट देंगे नहीं, ठीक है। बस इतनी समस्याएं हैं, हम लोग दो ही लोग हैं यार, कूड़ा कूड़ा कोई उठता नहीं, कोई नहीं उठाता वो कूड़ा, कोई भी नहीं उठाता, ठीक है। बिल्कुल सीधी सटीक बात ये है कि अगर आपको सभासद बने रहना है तो अब यहाँ पे मछली मॉल में काम करना पड़ेगा, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे और जो नहीं करेगा तो फिर उसको गाली देंगे या फिर धक्का देकर भगा देंगे, ठीक है। ये गंदगी मतलब कब से है और कई बार शिकायत पार्षद से करी? साल भर से है भैया, ये साल हो बीत गया, जब बरसात आने पहले कभी हो जाती सफाई, अब वो भी होना बंद हो गई, इस साल बरसात भी निकल गई। मतलब जो सफाई कर्मचारी वो आते नहीं है? नहीं, कर्मचारी आते हैं बस वो अपनी हाजिरी भरते, जो उनके वो हैं हाजिरी भर के चले जाते हैं। मतलब कागजों पे काम हो रहा, जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। और रोड आप देख लीजिए, ये रोड बना है, ये बच्चा गिर जाए तो उसका सर फट जाए। तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? अब चुनाव नज़दीक आया, बहुत से लोग देखेंगे हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे, हमें क्या फ़ायदा वोट डालने से? नहीं, वोट ज़रूर दीजिएगा। वोट दीजिएगा किस बेस पे वोट दें? आज जो हमारा समस्या ही वैसी रहेगी तो वोट देने से हमें क्या फायदा? नहीं, जो आपका रायबा जो आपकी समस्या को जाने को ऐसा चेहरा होगा? समस्या कोई ऐसा चेहरा नहीं ना यार भाई, इतने साल से इन लोग हैं, समस्या 20 साल हो गए इनको, 20 साल में इन्होंने क्या समस्या हल की? आप देख लिए पानी का नल, देखिए कितनी गंदगी है वहाँ पर। आपके क्षेत्र में काफ़ी होर्डिंगें लगी नए युवाओं में जोश चुनाव को लेकर के? अगर नए युवा काम करेंगे तो हम लोग उनको स्वीकार करेंगे। सर समस्याओं के गया वही बस सफाई वफाई का मसला है, अब इनके पास रेस्क्यू के पास जाइए शिकायत करने तो उनके पास टाइम तो है ही नहीं देखने का। जमादार से कहो तो जमादार अपनी मतलब वो दिखाता, छोड़ छाड़ भाग जाता है। आपके एरिया में फॉगिंग होती है? नहीं। कोई दवा का छिड़काव होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी तो आपने देखा ये इतना बड़ा वार्ड है लेकिन यहाँ पे अभी तक के कि डेंगू के लिए भी मतलब कि कोई छिड़काव नहीं है, कोई फॉगिंग नहीं हुई है, ना ही कोई गाड़ी यहाँ पे आती है कूड़ा उठाने के लिए, और सफाई कर्मचारी भी जो हैं वो यहाँ आते तो हैं पर जनता से लड़ के चले जाते, ऐसा आरोप आपने देखा है कि साफ तौर पर मुझे बताया बात करते हुए कि यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं पर समस्या का हल नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निकाय का चुनाव नज़दीक बना हुआ है और सभी लोग अपनी सीट को मजबूत करने में लगे हुए, लेकिन जगदीश चंद जो बोस है जो यहाँ से रेशू लगातार पार्षद रहे, कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली बात सामने आ रही है इस वार्ड से। अब देखने वाली बात होगी जो संबंधित अधिकारी हैं या पार्षद हैं इस पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ 4PM नेटवर्क के लिए। मैं हूँ लखनऊ से मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।